कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की घटना है, जहां पितनी देवी जो वृद्धावस्था पेंशन की हकदार हैं, उनके अलावा भी यहां रामकाली जैसी और भी महिलाएं हैं जिनको कई वर्षों से पेंशन नहीं मिल पा रही है, जिससे उनका जीवन अंधकार में डूबता जा रहा है। मैं महेश कुमार और ये है मेरा दलित समुदाय। दादी, आपका क्या नाम है? तो आपको क्या समस्या है? अरे हमका ये समस्या है कि न हमरे कोई आगे है, न कोई बारी, न हमका बेटी मिले थे। पारा लड़का है तो वह अकेला है, वह नहीं काम कर सकता। आदमी है वह बूढ़ा है, अच्छा, वह कुछ नहीं काम कर सकता। कई बारी सोई गए, हमका ना पेंशन मिले, ना हमार खेत बारी जो इधर उधर से हम कैसे कैसे करके खेत में खाद डाली थी तो पैदा होते, तो बच्चन का खाए होते। अब हमारे पास मजदूरी यह है कि ना गोई है ना बैल है, तो हम का कैसे कैसे खाई। अब बुढ़ाई दर हमका ना कुछ मिली तो हम का खाई, कसा दी का, न मजदूरी करे लायक है, न कुछ करे लायक है। कतो हमका पिंड कतो कहो के धंधा लागे तो वहाँ हमका आशा रहा कि हाँ हमका चार पैसा मिली, हमारे बच्चा ना पूछिए तो हमका खा के हमका मिलबे करी। पेंशन नहीं मिल रही है, प्रधान के लगे जाई थी वही हो करत है, और व्यवस्था कहो के भी बनाता है। छोटे छोटे बच्चा हैं तो खाने पीने का तकलीफ, दो जून में एक जून बनाई थी तो खाई थी, व्यवस्था कुछ कर गए तो। मैं ये चाहता हूँ कि इस ग्राम सभा में जो वृद्धा पेंशन की योजना है, पितनी देवी या उसके अलावा भी रामकली जैसे और महिलाओं को इसका लाभ मिले, जिससे उनका जीवन अंधकार से डूबने से बच सके। ये लाभ वीडियो द्वारा दिलाया जा सकता है। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो का नंबर 9998775000 पे कॉल कर हमारी मदद करें। मैं महेश कुमार, 12 अवेरी खालसा, केलार, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।